नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के जो टॉप गेनर स्टॉक्स है इसके बारे में। हमने पहले भी बात किया था, आज आपको हम दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि ये सारे जो टॉप गेनर्स स्टॉक्स है और किस सेक्टर से है और क्यों इतना ज़्यादा इसमें तेज़ी आज देखने मिला। साथ ही साथ जो आज टॉप लूजर्स है उस स्टॉक्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको सीखने के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने इस वीडियो में आपको मिलेगा कि कौन से स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिलती है, उसके आधार पे आप जो है आगे जज कर पाएंगे, आप सीख पाएंगे कि कौन से स्टॉक्स में कब तेजी देखने मिल सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं, यह है आईटीआई लिमिटेड। आईटीआई बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, देखते हैं एक दिन में इसमें 20% की तेजी है, देखते हैं 22 रुपया का एक दिन में तेजी है, तो काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और एक दिन में आपको 20% का रिटर्न। और 5 डेज में देखिएगा तो देखते हैं यहां से 5 डेज में यहां से आपको 28% का रिटर्न। फिर एक मंथ में बात करते हैं तो यहाँ से एक मंथ में देख लीजिए, एक मंथ में आपको 64% का रिटर्न। उसके बाद 6 मंथ में, तो यहाँ पर जो ये अपना लो बनाया है यहाँ से देख लीजिए तो 178% का रिटर्न। तो आपका जो रुपया है ये दोगुना करने वाला है, समझ सकते हैं 178% का रिटर्न जो मार्च में लो बनाया था वहाँ से। तो इस आईटीआई लिमिटेड में क्यों इतनी तेज़ी देखने मिल रही है, क्योंकि ये टेली कम्युनिकेशन का जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और चाइना के प्रोडक्ट पर जो बैन लगा है उसका सीधा फायदा आईटीआई को होगा, क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया है और जो हमारा एयरटेल है बहुत सारे इक्विपमेंट्स कहाँ से मंगाते हैं, चाइना से। अब वो चाइना को छोड़ करके हमारे देश के बहुत सारी कंपनियाँ उससे प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसका सीधा फायदा होगा आईटीआई को। उसके बाद मैक्सिमम ईयर की चार्ट की बात करें तो देख सकते हैं ये लगातार अंडर परफॉर्म रहा था ये स्टॉक्स, और ये पीछे देख सकते हैं 1-2 साल से इसमें काफी तेजी देखने मिला है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि पीछे 2014 तक ये अंडर परफॉर्म था, वहां से ये 800% का रिटर्न दे सका, 800% का रिटर्न दे चुका है 2014 से अभी तक में। तो समझ सकते हैं काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको जो है गिरावट में मिले तो जरूर इसमें बाइंग करनी चाहिए, लेकिन आप इसमें आप थोड़ा सा इसे अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें काफ़ी रैली हो चुका है, काफ़ी तेज़ी इसमें देखने मिल चुका है। 200% के अप्रॉक्स यहाँ जो गिरावट हुआ था उससे 200 के अप्रॉक्स इसमें रैली हो चुका है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स में अब जो है थोड़ा अपना रिस्क देख करके इन्वेस्ट करनी चाहिए। ऐसे हमारे व्यू से आपको ऐसे स्टॉक से अभी आप दूर रहें तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रैली आ चुका है, तो इसके अपसाइड का जो मोमेंटम है मतलब ऊपर जाने का जो अब चांस है बहुत ही कम है। तो ऐसे में आपको अपना निर्णय लेना है, आपको खुद जज करना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। उसके बाद दूसरा स्टॉक्स है देखते हैं भारत डायनामिक्स, इसमें भी काफ़ी तेजी आज देखने मिला, 13% की तेजी, देखते हैं 50 पॉइंट का तेजी। और ये भी स्टॉक्स देखते हैं एक दिन में तो आपको दे दिया 14% का अप्रॉक्स रिटर्न, 5 डेज में देख लेते हैं तो 5 डेज में यहाँ से देख लीजिए आपको ये दिया है अप्रॉक्स 33% का रिटर्न, 1 मंथ में देख लीजिए तो 1 मंथ में, तो 1 मंथ में देखते हैं 80% का तेजी, 6 मंथ में देख लेते हैं तो 6 मंथ में यहाँ से, तो 6 मंथ में गया 163% का तेजी। उसके बाद ईयर टिल डेट में भी उतना ही है, 168% का तेजी यहाँ से जो गिरावट आया है उससे। फिर 1 ईयर में देख सकते हैं तो 1 ईयर में लगभग जो है फ्लैट ही रहा होगा, थोड़ा सा तेजी इसमें आपको 1 ईयर में देखने मिलेगा, 42% का तेजी, काफ़ी ज़्यादा है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इधर मतलब 1 साल से ये रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो कोई कुछ खास नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारा चाइना से टेंशन बढ़ा है उसके कारण इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला है, क्योंकि ये हमारा जो है मिसाइल सिस्टम को बनाता है, मिसाइल सिस्टम को, और ये हमारा हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है जो कि मिसाइल को बनाता है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स ये बन चुका है अभी चाइना से टेंशन के कारण, और जो डिफेंस पे है वो उस पर 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो इसके कारण भी समझ सकते हैं इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिल रहा है। अब बात आया इन्वेस्टमेंट का, तो अब जो है आपको इसमें पोजीशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ी आ चुका है, काफ़ी रैली ये दिखा चुका है, ऐसे में आप इसमें इन्वेस्ट अब करेंगे तो हो सकता है आप फंस सकते हैं इसमें, तो इसलिए आपको अब इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप इससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हैं तो आप कुछ इसमें, अगर आपका मन ही है, आपका रुपया है, आप चाहें तो कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मन है अगर आपको कि हमको करना ही है, ये आगे भी रैली दिखा सकता है, आगे भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है अभी जाने का,
तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना निर्णय आप अपने खुद रिस्क लेंगे, अपनी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर खुद लेंगे। उसके बाद फिर अगला स्टॉक्स है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। देख सकते हैं 10% का तेजी इसमें भी देखने मिला है, एक दिन में 10% का रिटर्न। 5 डेज में देख लेते हैं, तो 5 डेज में यहाँ से देख सकते हैं 5 डेज में 23% का तेजी। फिर 1 मंथ में देख लेते हैं, तो 1 मंथ में यहाँ से देख लीजिए 1 मंथ में कितना है 43%, 1 मंथ में 43%। फिर यहाँ पर आप 1 साल में देख सकते हैं, तो 1 साल में तो ये कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, 1 साल में ये काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 ईयर में, और 1 ईयर में यहाँ से आप देख लीजिए 1 ईयर में इसमें कितना रिटर्न है। तो यहाँ से 1 ईयर में देख सकते हैं 39%, मतलब 40% का अप्रॉक्स तेजी है, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया। 5 ईयर्स में फ्लैट है, 5 ईयर्स में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, मैक्सिमम ईयर में देखिएगा कुछ भी रिटर्न नहीं है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये भी डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है, तो काफ़ी बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनियों में से एक है। तो ये स्टेट ओन्ड कंपनी है और ये हमारे डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, तो ये भी बेहतरीन कंपनियों में से एक है। ये काफी कुछ खास पुराना लिस्टिंग नहीं है, देख सकते हैं 2018 में ये लिस्ट हुआ है कंपनी। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये तो अभी कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाया, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर देखते हैं 2020 के शुरुआत में जो प्राइस था अप्रॉक्स उसी के आसपास है, थोड़ा सा उससे आगे है। तो आप चाहते हैं तो इसमें पोजीशन बनाना कि आपको इच्छा है कि नहीं हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते ही हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो 10 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो तो किसी भी प्राइस पर कर सकता है, 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ ऊपर नीचे वो किसी भी प्राइस पर उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। और बात आया कि अगर आपका इच्छा नहीं है तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि काफ़ी मोमेंटम ये दिखा चुका है, तो हो सकता है यहाँ से करेक्शन भी आ जाए। तो वैसे आदमी जो कि पूरी तरह से इच्छा रखते हैं कि हम जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उसी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये सारी कंपनियां जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है, लेकिन इसमें ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा। अभी जो चाइना से टेंशन है और जो हमारा अभी जो गवर्नमेंट है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है डिफेंस पे, उसके कारण इन सारी कंपनियों आपको तेज़ी देखने मिल रही है। उसके बाद अगला है हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं ये भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, मतलब सारी कंपनियां जो आज देख सकते हैं ये सारी कंपनियां जो था इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने मिला। इसमें भी देख सकते हैं 12% की तेज़ी एक दिन में, 5 दिन में देखिएगा तो देख सकते हैं 5 दिन में काफ़ी तेज़ी देखने मिला है। 5 दिन में देख सकते हैं 19% का रिटर्न, 1 मंथ में देख लेते हैं तो 1 मंथ में यहाँ से देख लीजिए 1 मंथ में 55% का रिटर्न। उसके बाद 6 मंथ में देख सकते हैं, फिर 1 ईयर में देख सकते हैं तो 1 ईयर में फ्लैट रहा है, कुछ खास नहीं है। 5 ईयर्स में अंडर परफॉर्म रहा है स्टॉक्स। मैक्सिमम में देखिएगा तो चार्ट पे भी ये कंपनी काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। तो जब ये न्यूज़ आता है अभी चाइना से टेंशन का जो न्यूज़ है उसके कारण इसमें काफ़ी तेज़ी आपको देखने मिल रहा है, नहीं तो ये कंपनी की चार्ट पे भी देख सकते हैं काफ़ी कमज़ोर है। तो और कंपनी के जो सारे फंडामेंटल्स है उसको आपको देखना है कि कंपनी प्रॉफिट मेक करती है या नहीं। सिक्योरिटी की मैनेजमेंट की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो इसमें आपका जो रुपया डूबने का चांस है वो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब परफॉर्म ही नहीं करेगा कंपनी तो आपको कोई ग्रोथ है इस पे नहीं मिलेगा, तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो सिर्फ डिविडेंड के प्रोस्पेक्टिव से कभी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और ये कंपनी का चार्ट आपने देख लिया कि काफ़ी मतलब खराब चार्ट है, कभी भी चार्ट इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा बजाज फाइनेंस। दोस्तों देखते हैं बजाज फाइनेंस 6% से भी ज़्यादा का तेजी एक दिन में, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से ये भी काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। 5 डेज में तेजी देखिएगा तो 5 डेज में भी ये इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है, देखते हैं 7% का। 1 मंथ में देखिएगा रिटर्न, तो 1 मंथ में भी अच्छा खासा रिटर्न देखते हैं 24% का। 6 मंथ में देखते हैं तो 6 मंथ में आप देख लीजिए 6 मंथ में काफ़ी डाउन है, क्योंकि स्टॉक्स 5000 के आसपास चल रहा था, 5000 के आसपास वहाँ से स्टॉक देखते हैं 22% डाउन है। उसके बाद ईयर टिल डेट में देखिएगा तो वही बात है, 1 ईयर में देखिएगा उसमें भी डाउन, 5 ईयर्स में देखिएगा तो देखते हैं 5 ईयर्स में कंपनी पहले 500 रुपीज़ के प्राइस पर था, 5 ईयर्स में अभी भी ये 521% का रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। फिर यहाँ से मैक्सिमम में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट है इस स्टॉक्स का, मैक्सिमम में यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी ये 54,000% का रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। लेकिन ये स्टॉक्स जब आपको यहाँ 2000 के आसपास मिल रहा था उसी समय इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, अब तो ये काफ़ी रैली दिखा चुका है, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, वेट एंड वॉच करें।
तो बेट करें कि इसमें फिर से अगर करेक्शन आता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी, क्योंकि ये रैली दिखा चुका है यहाँ से, मतलब देखते हैं कि ये 3100 यहाँ से 1800 तो हो गया कुल 1300 तक का रैली दिखा चुका है। तो ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक्स है, जो कि आगे कहा जा रहा है कि ये प्रभावित होगा इसका बिजनेस, तो देखना है आगे कैसा होता है। अभी फिलहाल के लिए जबरदस्त रैली दिखा रहा है ये स्टॉक्स। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा वेट करें, अगर करेक्शन आता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP मोड में। लेकिन जैसे करेक्शन आएगा तो SIP मोड में आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएंगे। उसके बाद अगला है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। ये भी स्टॉक्स देख सकते हैं काफी आज रैली कर चुका है 7.39% का। 5 डेज में देखिएगा तो 5 डेज में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, 11.71% का। 1 मंथ में देखिएगा तो 1 मंथ में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, 1 मंथ में देखते हैं 20.99%, मतलब 21% का रिटर्न दे चुका है। 6 मंथ में देखिएगा तो 6 मंथ में देख सकते हैं ये लगभग फ्लैट रहा है, 6 मंथ में मात्र 8% का रिटर्न है, मतलब जो ज़बरदस्त गिरावट आया था वहाँ से रिकवरी भी इतनी ही फास्ट हुआ। 5 ईयर्स में देखिएगा तो 5 ईयर्स में स्टॉक्स कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। उसके बाद देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है ये, लॉन्ग टर्म चार्ट में देख सकते हैं अपने इन्वेस्टर को ये 11000% तक का रिटर्न दे चुका है, अभी भी ये 7000% का रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो ये थे सारे स्टॉक जो आज काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ी जिसमें देखने मिला, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से था। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, मतलब ये हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो गया, फिर बजाज फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर से हो गया, उसके बाद जो था ITI वो हमारा हो गया टेलीकम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट मेकिंग कंपनी, उसके बाद भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सारे जो था डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स था। तो किस तरह के स्टॉक्स में आज बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने मिला आपने ये देख लिया। उसके बाद जो सबसे बड़ा लूजर है वो है ITC। दोस्तों जब मार्केट में इतनी रैली थी तो ITC में आपको गिरावट क्यों देखने मिला, क्योंकि जो आज एक्स डिविडेंड डेट था, इसका आज एक्स डिविडेंड डेट था, एक्स डिविडेंड मतलब आज से पहले कल तक जिसने स्टॉक बाय किया, जिसके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स था, उसे आज जिसके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स था उसको डिविडेंड मिलेगा। तो 10 रुपया डिविडेंड था तो उसी रेशियो में देखते हैं 7 रुपया का आज इसमें गिरावट आया, मतलब एक्स डिविडेंड था, आज जो स्टॉक्स खरीदेगा उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो आज स्टॉक का प्राइस भी आपको सस्ता हो गया, 7 रुपीज देखते हैं चीप स्टॉक्स। तो ये था ITC के गिरने का कारण, क्योंकि आज एक्स डेट था इसका डिविडेंड का, इसलिए इसमें आज आपको करेक्शन देखने मिला। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि किस तरह के स्टॉक्स में अभी तेज़ी देखने मिल रहा है आपको, ज़बरदस्त तेज़ी, और किस तरह के स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने मिल रहा है। तो जो बजाज फाइनेंस में तेज़ी था क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया था, इसीलिए तेज़ी उसमें देखने मिला था। महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा गिरावट उसमें देखने मिला था, जबकि स्टॉक्स फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स है, इसलिए उसमें तेज़ी देखने मिला। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।